आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर समाचार। मैं रामगोपाल धनगर। बिजनौर के झालू चौकी क्षेत्र में एक युवती से रेप का मामला प्रकाश में आया है। दुष्कर्म के दौरान आरोपियों ने वीडियो भी बनाया और एक आरोपी पर दुष्कर्म करने और दूसरे पर वीडियो बनाने का आरोप है। घटना एक साल पुरानी बताई जा रही है, जिसका इस वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। दरअसल बिजनौर में एक बहुत ही दुष्कर्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पूरा मामला बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां की रहने वाली एक अनुसूचित जाति की युवती से दुष्कर्म का वीडियो सामने आने के बाद परिजन हल्दौर थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि धर्मपुरा का रहने वाला हरिंदर ने युवती से दुष्कर्म किया। घटना में एक अन्य युवक नावेद भी शामिल रहा, जिस पर वीडियो बनाने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि नावेद ने घटना का वीडियो बनाया, अब उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ये घटना एक साल पुरानी बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ पीड़िते के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म करने का वीडियो बनाने, वीडियो को वायरल करने सहित कई संगीत धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा है कि युवती के साथ दरिंदगी के सभी हदें पार की गई हैं। साथ ही लोगों में यह भी चर्चा है कि यह मामला सामूहिक दुष्कर्म का है। पुलिस लीपापोती में लगी हुई है। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल। थाना हल्दौर क्षेत्र की घटना है। एक वायरल वीडियो के माध्यम से घटना संज्ञान में आई है। वादी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें उसने अपनी पुत्री के साथ यौन व्यवहार के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया है। घटना तहरीर के अनुसार पिछले वर्ष दिसंबर माह की है। इसमें मुख्य आरोपित तथा उसके साथी जिसने इसको वीडियो को वायरल किया है, दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण कराई जा रही है।